आज महामहिम राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को इसी निमित्त ज्ञापन भेज रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का केस हम देखते हैं और श्री राम जन्मभूमि का केस 1949 से हिंदू महासभा लड़ रही है और हमारे रूम में 2010 में जो निर्णय आया था जिसको रुकवाने के सुप्रीम कोर्ट से काफी प्रयास किए गए थे लेकिन हिंदू महासभा ने लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जो जजमेंट आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब अपील है जिसमें मैं भी अपील करता हूं। अपील नंबर 2636 है। ये कहा गया था, वचन दिया गया था कि सरकार बनने के बाद कानून बनाएंगे लेकिन कानून की कोई चर्चा नहीं होती। अतः ज्ञापन में आज 17 सितंबर 2017 चुकी, इसलिए पहले मैं वो कर दे रहा हूं ताकि यहाँ पे कई पत्रकार हैं उस बात को पूछना चाहते थे, मैं बैठा था तो मैंने कहा मैं बोल देता हूं, इसके बाद बैठा रहूंगा, सभी वक्त अपने अपने विचार रखेंगे। आज 17 सितंबर 2017 को ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि केंद्र सरकार अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण गोरक्षा केंद्रीय कानून तथा गंगा यमुना के विरलता निर्मलता है संसद से जल्द कानून बनाए। दूसरा, जो संतों की हर संत दो कुछ संतों को देख करके कहा जाता है मीडिया में, जो हमारे पूज्य घनश्यामानंद जी कह रहे थे कि संतों को ऐसा प्रस्तुत किया जाता है मीडिया प्रस्तुत करी कि सब संत जो है बहुत पैसे वाले हैं बहुत, जबकि ऐसा नहीं जानते कि संत कितना त्याग करते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर संतों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था दी जाए। हमने कई संतों को देखा है जो चिकित्सा के अभाव में प्राण को त्यागते हैं। तीर्थाटन की आप ये देखो, मक्का मदीना के लिए कितनी छूट मिलती है हज के लिए, और हमारे संत अगर जो कहीं तीर्थ पे जाता है अमरनाथ पे जाता है तो उस पर टैक्स लगाए जाते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर संतों को निःशुल्क चिकित्सा एवं तीर्थाटन की व्यवस्था दी जाए। ये संतों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु जो हमारे पूज्य दाता जी महाराज ने कहा है, रोकने हेतु अन्य आयोग की तरफ पर संत आयोग का गठन किया जाए। कोई भी संतों के खिलाफ एक एप्लीकेशन देता है, शिकायत देता है, पुलिस आती है, बाबा जी चलो, पुलिस तो कम से कम पुलिस सब कुछ समझती है, वो तो आती है सम्मान करती है, नहीं बाबा जी मैं समझता हूं गलत हूं।